सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। मैं चाहता हूं कि कौम मुस्लिम अल्लाह पर इतना मजबूत एतमाद और भरोसा करे कि वो अल्लाह के गैर से, दुनियादारों से अपनी सारी उम्मीदें ख़त्म कर लें, मुकम्मल अपना पूरा एतमाद और भरोसा अपने अल्लाह पे करके देखो। जिसका मुकम्मल एतमाद और भरोसा अल्लाह पर होता है, अल्लाह उसके काम बना देता है। हम बहुत कमज़ोर हैं, बहुत कमज़ोर, अल्लाह पर भरोसा करने के मामले में बहुत कमज़ोर है इस वक्त मुसलमान। उनको सब पे भरोसा है, हुक्मरानों पे भरोसा है, सियासतदानों पे भरोसा है, भाइयों पे भरोसा है, औलाद की बाजुओं पे भरोसा है। मैं कहता हूँ लोग अल्लाह पे भरोसा क्यों नहीं करते? ठीक है, सब बाद में है। कोई कहता है कि मैं अपने बच्चे को वकील इसलिए बना रहा हूं कि मेरे दिन पलट जाए। अरे, वकालत की डिग्री मिलने से पहले मर गया तो क्या दिन पलटी? उससे क्यों तवक्को लगा रखी है कि जिसके कल का ही कोई भरोसा नहीं है? अगर तवक्को लगाना है तो उससे लगाओ जो हय्यो कय्यूम है, जिसको कभी मौत नहीं आने वाली, उस पर भरोसा करने वाला कभी नाकाम नहीं होता। और आपको ये मैं अर्ज करना चाहता हूं, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मोहब्बत सबसे करो, दोस्ती सबसे करो, सबके साथ उठो, सबके साथ बैठो, भरोसा सिर्फ अल्लाह पे करो। अल्लाह पर भरोसा करो, सिर्फ अल्लाह पर। ये जो हमने लोगों पर तकिया कर रखा है ना, किसी शायर का शेर है कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने में, किसी पे तकिया मत कर। लोगों की जबानें कब बदलती है, लोगों के अंदाज कब बदलते हैं, लोगों के अतवार कब बदलते हैं। बड़े तजुर्बे हैं तारीख के, ये भी तारीख में आता है कि वो मौलाए कायनात जिसकी शान में अल्लाह के रसूल ने बहुत फजीलतें बयान फरमाई, जब उनकी शहादत हुई तो कूफे के लोगों ने उनके जनाजे में शिरकत भी नहीं, मौलाए कायनात के जनाजे में सिर्फ तीन लोग थे, वो इमाम आजम अबू हनीफा, करोड़ों लोग जिनके मुकल्लिद हैं। आपका विसाल जेल के अंदर हुआ, जहर खिला जेल में आपका विषय। इमाम हुसैन के बारे में तो आप जानते ही कि आपका जिस्म कई दिन तक बेगोरो कफन, बगैर कब्र और बगैर कफन के पड़ा रहा। इमाम बुखारी के मुतालिक आपने सुन रखा है कि आपको शहर बदर कर दिया गया था, हजारों शागिर्द थे जिसके, जब शहर बदर किया गया तो सारे शागिर्दों ने भी साथ छोड़ दिया सिवाय एक शागिर्द। जब समरकंद से आपको निकाला जा रहा था, शहर बदर किया जा रहा था, तो उस वक्त इमाम मुस्लिम जो सही मुस्लिम के मुसन्निफ है, उनके सिवा कोई आपके साथ नहीं था। जबकि समरकंद में जब आपके दर्स की महफिल सजती थी तो आपकी दरसगाह भर जाती थी, लोग छत पे बैठकर आपका दर्स सुनते थे। लेकिन हालात ने कैसे करवट बदले कि जब शहर के बाहर निकाले गए तो इमाम मुस्लिम के सिवा कोई साथ में नहीं था। अपने वतन बुखारा जाना, बुखारा से तो निकालने गए थे, समरकंद आए थे, समरकंद के बाद फिर बुखारा जाना चाहते थे, तो बुखारा के अंदर भी शोरिश पैदा हो गई, तो आखिरकार बुखारा समरकंद के दरमियान दुआ कर ली, अल्लाह तबारक व ताला जब जमीन मुझ पर तंग हो गई है तो मुझे उठा ले, और समरकंद और बुखारा के दरमियान आपका विसाल हो गया। और लोग साथ देंगे ये कोई जरूरी नहीं, औलाद भी साथ दे ये कोई जरूरी नहीं, भाई बहने साथ दे, अगर कोई दे दे तो ये एक अल्लाह का ही फिर ये अल्लाह का ही करम है कि अल्लाह ने लोगों के दिल में मोहब्बत डाल दी, वरना कोई किसका नहीं। इसलिए अपनी मुकम्मल तवज्जो अपने अल्लाह की तरफ लगानी चाहिए। यह भी नहीं कि मैं दौलतमंद हूं, मेरी दौलत मुझे काम आएगी, ना, अल्लाह दौलत भी छीन लेता है, वो चाहे तो दौलत नहीं देखते हैं लोग,
कि एक से एक चीज घर में मौजूद है, लेकिन बीमारी ऐसी हो गई कि खा नहीं सकी, कुछ नहीं है, सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह है। और उसी के हो जाओ फिर मजा देखो। कहते हैं मन काना लिल्लाह कान अल्लाह लहू, जो अल्लाह का हो जाता है फिर सारी कायनात उसकी हो जाती है।